हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिंक डेवलपर। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये ऐड फीस का पेज कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो ये इस वीडियो में हम ये साइड बार कैसे बनाते हैं वो देखने वाले। तो अगर आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने 7 पार्ट अपलोड किए, तो आई थिंक मैंने 6 पार्ट में ये होम पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं वो बताया था। तो मैं एक बार इसे रन करके दिखाता हूँ, रन फाइल। तो आप देख सकते हो, जब यूज़र ऐड फीस पे क्लिक करेगा तो अब हमें ये पेज ओपन करना है। कौन सा पेज? ये पेज। तो ओके, तो हम इस पेज की डिज़ाइनिंग देखने वाले हैं, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ पहले। तो चलिए यार, प्रोजेक्ट पे चलते हैं। अपने फीस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं न्यू जे फ्रेम फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसे नाम देता हूँ ऐड ऐड फीस। ओके, ऐड फीस नाम दिया, तो ये हमारा जे फ्रेम बन गया। और आप जब सोर्स में जाके देखोगे ना यार, तो हमारी क्लास ने जे फ्रेम को एक्सटेंड किया हुआ है। एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब जो जे फ्रेम क्लास है जावा में, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है अब वो हमारे क्लास में आ गई है। तो हम जे फ्रेम के कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यार ये ऐसे जावा एक्स डॉट स्विंग के लिखा है। तो यार ये इनलाइन इम्पोर्ट होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, एक हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जावा एक्स डॉट, यहाँ पर पैकेज का नाम है स्विंग डॉट जे फ्रेम। ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ से अभी हटा दूँ ना यहाँ से, तो भी चलेगा। ओके, ये बेसिकली जो अभी यहाँ पर ये जो है ना, ये इनलाइन इंपोर्ट होता है। इनलाइन इंपोर्ट मतलब फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज़ करते हैं। तो जैसे आप ये क्यों यूज़ करते, जब हमारे पास एक दो क्लास नेम है, दो क्लासेस है जिनका नाम सेम है, अगर हम उन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ना हम लोग इनलाइन इंपोर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे डेट क्लास है, आपको मालूम है जावा में डेट डेट क्लास डेट नाम की दो क्लास है, एक जावा डॉट यूटिल पैकेज में है एंड जो दूसरी है वो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे डेट D1 इज इक्वल टू न्यू डेट। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर जावा डॉट यूटिल पैकेज का क्लास है, ठीक है, मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। ओके, कोई बात नहीं। अब जो सेकेंड डेट है D2 इज इक्वल टू न्यू डेट। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। अगर मैं फिर से यहाँ पर एक इंपोर्ट करूँ जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट, ओके, मैंने इसे भी इंपोर्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है कि टाइप विद द सेम सिंपल नेम इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। तो यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी नेम डिफाइंड हो गया, तो अब तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आपको अगर आपको एसक्यूएल का भी डेट यूज़ करना और यूटिल डेट भी यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, आपको इनलाइन इंपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिखा तो हमारा जो कंपाइलर है वो कन्फ्यूज है कि ये जो डेट बनाया आपने उसमें से मैं कौन सा डेट यूज़ करूँ, यूटिल पैकेज का डेट यूज़ करूँ या एसक्यूएल पैकेज का डेट यूज़ करूँ यहाँ पर। तो यार आप सिंपली फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, अभी अगर सपोज करो मुझे ये डेट, जो ये वाली डेट है वो एसक्यूएल पैकेज की डेट चाहिए, तो मैं सीधा एसक्यूएल पैकेज का लिख दूंगा जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट। ओके, यहाँ पर भी जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट। तो देख सकते हैं अब ये रिजॉल्व हो जाएगा, ये पैरामीटर लेता है कंस्ट्रक्टर। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, इसलिए हम इनलाइन इंपोर्ट करते। खैर, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं, वो खाली एक सिंटैक्स आ रहा था इसलिए मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि यहाँ पर जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम क्यों लिख के आता है। एंड ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, उससे पहले भी स्टैटिक ब्लॉक्स चलते हैं, बट वो सब रहने दीजिए, आप सिंपल रखते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर में क्या मेथड है, इनिट कंपोनेंट मेथड। मतलब जैसे हमारा ऑब्जेक्ट बना तो इनिट कंपोनेंट मेथड कॉल होता है। अभी इनिट कंपोनेंट मेथड कहाँ पर है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इनिट कंपोनेंट मेथड है जनरेट। ये जो कंपोनेंट के अंदर जो मेथड है, ये इसके अंदर जो कोडिंग है ये जी अपना सॉरी नेटबीन्स खुद प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कुछ भी यहाँ पर एक बटन रखता हूँ, अब सपोज़ करिए मैं पैलेट में जाता हूँ, एक पैनल उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जे पैनल का ऑब्जेक्ट बन गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर जे पैनल वन न्यू जावा स्विंग, ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज़ कर रहा है। ओके, तो देख सकते हैं आपने यहाँ पर जे पैनल वन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसी तरह अगर हम कोई भी यहाँ पर कोडिंग करते हैं ना, कोडिंग बोल रहा हूँ, कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखते हैं ना, तो उसका सोर्स में ना उसका जो नेटबीन्स है वो खुद उसका कोड जनरेट कर देता है, ठीक है। और एक कोड मेथड का नाम क्या है, इनिट कंपोनेंट।
और वो जैसे हम अपनी क्लास को रन करते हैं एड फीस डॉट जावा को, तो ये इनिट कंपोनेंट मेथड कॉल होता है जिसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं फटाफट फटाफट, यानी हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं और हमें दिख जाते हैं। जैसे मैं अब इसे रन करूँ तो ये इनिट कंपोनेंट मेथड चला और ये देखिए, ठीक है। तो यार आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्म है इसको पहले डिलीट कर देता हूँ पैनल को, और यहाँ पर मैं इसका लेआउट सेट कर देता हूँ एब्सोल्यूट लेआउट। और अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं एब्सोल्यूट लेआउट क्यों करता हूँ, तो एब्सोल्यूट लेआउट का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर पैलेट में जाता हूँ, मैं एक लेबल उठा लेता हूँ और मैं इस लेबल को इस पर रख देता हूँ, हाँ तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट लेआउट मतलब मैं इस लेबल को जहाँ चाहे वहाँ रख सकता हूँ। जैसे मैंने इसे उठाया यहाँ पर रख दिया, इसे उठाया यहाँ पर रख दिया, तो इसकी पोजीशन मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर वहीं मैं अगर इस जो हमारा जे फ्रेम है उसका लेआउट मैं कर दूँ, कोई भी लेआउट फ्लो लेआउट कर दूँ, तो आप देख सकते हो तो ये जे लेबल यहाँ पर आ गया, देखो ये यहाँ पर ही जा रहा है। तो ये हमें कोडिंग के जरिए फिर इसका लेआउट सेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सिंपल रखते एब्सोल्यूट लेआउट रखते, ताकि हम जहाँ अपने एलिमेंट को प्लेस करें वो वहाँ पर ही हो। अब मैं इसे अगर इस एब्सोल्यूट लेआउट करने के बाद यहाँ पर रखूँगा तो ये वहीं पर होगा, ठीक है, इसलिए मैं एब्सोल्यूट लेआउट यूज़ करता हूँ। एंड इसके बाद हमें कलर देना है अपने जे फ्रेम को। तो मैंने यार एक डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें मैंने लिखा है कि मुझे क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे जे फ्रेम को साइज़ देना है, ये जो हमारा 2021 का साइज़ है वो देना है। तो आप यहाँ जे फ्रेम पे क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, कोड में जाइए, डिज़ाइनर साइज़ दिख रहा है आपको, तो ये हमें साइज़ देना है यहाँ पर 2021, 1034, आई थिंक 1036 या 1034, कोई नहीं इतना ठीक है, इतना चलता है, ठीक है। तो ये हमारा जे फ्रेम बन गया। एंड उसके बाद हमें इस पे दो पैनल लेने, दो पैनल क्यों, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक ये पैनल है और एक ये पैनल है। तो यहाँ पर गया मैं पैलेट, पैलेट में गया एंड पैनल लिया, यहाँ से एक पैनल लिए एंड ये दूसरा पैनल, ठीक है। हमें इसको नाम दे देता हूँ चेंज वेरिएबल नेम, नाम देने से यार ईजी हो जाता है, बाद में हमें इसे इन वेरिएबल्स को कोड में एक्सेस करना पड़ता है तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं इसे नाम देता हूँ पैनल साइड बार, एंड जो सेकंड पैनल है उसको नाम देता हूँ मैं पेरेंट, ओके पैनल पेरेंट। अब इसके अंदर हम चाइल्ड भी बनाने वाले हैं, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा क्यों हमने ऐसा नाम दिया मैंने इसको, ठीक है। एंड ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में गया तो मैं इसका कलर रखता हूँ 0,102,102, कुछ भी कलर दे सकते हो और आपकी मर्ज़ी, मुझे ये कलर पसंद है इसलिए मैं ये कलर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते, तो हाइट और विड्थ हमें कितनी रखनी है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसकी हाइट हमें रखनी है 540 एंड विड्थ, सॉरी विड्थ रखनी है 540 एंड हाइट रखनी है 1040, ठीक है। तो यहाँ पर गया मैं, क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं गया प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पर आपको दिखेगा, इस पैनल को सेलेक्ट करिए पहले एंड प्रॉपर्टीज़ में जाए आपको दिख रहा है विड्थ, विड्थ हमें रखनी है 540 एंड हाइट रखनी है 1040, ठीक है। तो ये हो गया एंड इसकी पोजीशन सेट कर दो एकदम 0,0 है, X0 Y0 होना चाहिए ताकि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, एकदम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 0,0 से स्टार्ट हो, ठीक है। एंड जो सेकेंड पैनल है मेरा ये रहा यहाँ पर, ये इसको मैं कलर दे देता हूँ, क्या कलर देना है, कलर देना है 153, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए इसकी प्रॉपर्टीज़ में सेलेक्ट करिए, यहाँ पर मैंने गया प्रॉपर्टीज़ 0,153,153, ठीक है। तो इसका भी हो गया एंड इसका भी हाइट एंड विड्थ सेट कर देते, तो इसका विड्थ देना है मुझे 1310 एंड 1040, ठीक है। तो मैं इसका विड्थ देता हूँ 1310 एंड 10 एंड हाइट जो होगी 1040, ठीक है, ये हो गया। एंड उसे उठा के यहाँ पर हम सेट कर देते वाई एक्सिस से हमें 0 पे चाहिए, वाई मतलब ऊपर से आपको कितना चाहिए, अगर मैं वाई को अगर मैं कर दूँ यहाँ पर 40 कर 20 कर दूँ तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, देखो ये नीचे आ गया क्योंकि वाई एक्सिस से हमें थोड़ा 20 पिक्सल नीचे चाहिए, पिक्सल या मान लो जो भी इसका मेजरमेंट होगा, एंड 0, तो मैं 0 पे रखता हूँ इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक, अब बटन्स क्रिएट करने, बटन्स क्रिएट करने के लिए हम पैनल लेंगे पहले एक,
तो मैंने पैनल ले लिया। अरे हमने इसका लेआउट शायद एब्सोल्यूट नहीं किया है क्योंकि हमें बाद में भारी पड़ सकता है, इसलिए मैं इसे एब्सोल्यूट कर देता हूँ एंड इसका भी लेआउट कर देता हूँ। पहले इसको हटाता हूँ यहाँ से, इसका लेआउट कर दिया मैंने एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड ये हमारा जे पैनल है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हमें इसका कलर ये जो बैकग्राउंड में वही कलर रखना है, तो प्रॉपर्टीज़ में गया मैं, इस कलर को मैं कॉपी करता हूँ एंड इस पर क्लिक करके ये कलर भी चेंज कर दिया। ओके ठीक है। एंड इसको बॉर्डर देना है ताकि वो कुछ बटन जैसा दिखे हमें। बॉर्डर पे जाइए, बेवल बॉर्डर सेलेक्ट करिए, इनर हाईलाइट, आपको हाईलाइट इनर कलर दिख रहा है वहाँ पर वाइट सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इससे क्या हुआ थोड़ा ये एज यहाँ पर इसका कुछ देख सकते हैं, आपको एज एज दिख रहा होगा तो ये कुछ हाईलाइट हो जाता है, इसकी वजह से हमें ये बटन की तरह दिखता है, ठीक है। एंड ये यहाँ पर इसका मैं हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके इसकी हाइट क्या रखनी है मैं देख लेता हूँ अभी। मैं इसका हाइट हमें रखना है 330, विड्थ 330 रखनी है। ओके तो यहाँ पर उस पर क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए, विड्थ पे जाइए 330, सॉरी यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, 330। एंड हाइट है इसकी 70, ठीक है ये हो गया। एंड इस पर अब हमें टेक्स्ट रखना है, तो टेक्स्ट रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जे लेबल। तो मैंने लेबल को उठाता हूँ, देख सकते हो मैंने इसका भी लेआउट नल नहीं किया, तो इसको भी लेआउट नल कर देता हूँ, सॉरी एब्सोल्यूट कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ पर रख दिया मैंने इसको भी, एंड यहाँ पर इसका टेक्स्ट है वहाँ पर रख कर देता हूँ होम। एंड टेक्स्ट का जो प्रॉपर्टी है इसका कलर एंड बैकग्राउंड कलर तो नहीं चेंज करना है हमें, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है। फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड मतलब पीछे का कलर। तो ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया है। एंड इसके बाद इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज करना है, तो मैं इसे कर देता हूँ 30। एंड जो सिंबल ये रखता हूँ 30, ओके ठीक है ये हो गया। एंड इसके बाद इस पे आइकन्स दिखाने, तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में आगे आइकन कहाँ से डाउनलोड करना है वो बताया था, मैंने आपको लिंक दिया था, आप वहाँ पर जाकर मेरे सारे आइकन्स को डाउनलोड करके कैसे इंपोर्ट करना है मैंने वो बताया था 7th वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो हमें आइकन्स ऐड करना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से करके दिखा, तो आइकन्स दिख रहा है आपको, आइकन्स पर जाइए, फीस मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोजेक्ट फाइल्स पैकेज सेलेक्ट करिए, अपना इमेज है इसका, एंड उसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक होम करके, या फिर होम करके दिख रहा है आपको, होम होम होम, ओके तो ये होम आ गया, ठीक है। इसे बड़ा करता हूँ लेबल को, ओके तो ये हो गया हमारा होम, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बटन हमारा रेडी होगा, तो मैं इसे एक बार रन करके चेक करता हूँ, तो ये हमारा एक बटन बन गया। इसी तरह हमें कॉपी पेस्ट करके सारे बटन बनाने हैं, और अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये जो होवर इफ़ेक्ट हो रहा है वो कैसे करना है आपको, ठीक है। ये इवेंट्स होते हैं जावा में, स्विंग के इवेंट्स है, वो इवेंट परफॉर्म करने वाला है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ इसी बटन पे, ठीक है। तो अब इस सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं यार, नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी था कि हमें, अब इसका देख सकते हैं यहाँ पर नाम क्या है, जे लेवल 1 है, आपको क्या समझ में आएगा जे लेवल 1 कौन सा, जे लेवल 1, तो मैं इसको नाम देता हूँ BTN होम करके नाम देता, कि मुझे पता चले कि ये होम बटन है, ठीक है। तो इस पर इवेंट सेट करना, तो यार इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स एक्चुअली इवेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ यूज़र एक्शन, मतलब जब यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो एक इवेंट होता है, जैसे माउस पे मैंने यूज़र ने किसी बटन पे क्लिक किया तो बटन क्लिक क्लिक इवेंट हुआ, और माउस यूज़र ने किसी पर्टिकुलर बटन पे माउस लेकर गया, बस क्लिक नहीं किया, बस माउस को लेके गया, तो माउस होवर इवेंट होता है, वो जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। तो इसी तरह जावा में भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो मैं हमें इस लेबल पे एक इवेंट अप्लाई करना, मतलब यूज़र जब माउस लेकर आया तो हमें इस पैनल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ठीक है, इस लेबल का नहीं इस पैनल का, ठीक है। तो मैं इस पैनल का भी नाम चेंज कर देता हूँ, पहले चेंज वेरिएबल नेम को नाम देता हूँ पैनल होम, ठीक है, ताकि हमें इजी हो कोडिंग में इसे एक्सेस करने के लिए, पैनल होम। तो अब यहाँ पर इस लेबल पे राइट क्लिक करो, इवेंट में जाओ, माउस एंड माउस एंटर्ड इवेंट, हमें माउस एंटर्ड इवेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मेथड जनरेट हो गया। अब इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं कलर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कलर CLR इज इक्वल टू न्यू कलर, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे कलर
का आरजीबी वैल्यू देनी है। ठीक है, तो मैंने कलर की आरजीबी वैल्यू दे दी। अब हमें इस कलर, हमने अभी कलर सिर्फ कलर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब हमें इसे सेट करना है अपने उस पैनल पे, होम पैनल पे। ठीक है, होम पैनल डॉट सेट बैकग्राउंड, सॉरी बॉर्डर नहीं, सेट बैकग्राउंड एंड कलर। ठीक है, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। तो आप देख सकते हो, तो जैसे मैं माउस लेके गया उसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ लेकिन, बट वो जब मैंने माउस निकाला तो उसका कलर बैक टू नॉर्मल नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें माउस एग्जिट इवेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर डिज़ाइन में जाओ, यहाँ पर राइट क्लिक इवेंट एंड माउस, माउस एग्जिट इवेंट। ठीक है, सेम वही कोडिंग करनी है यार, कलर बनाना है एक, कलर CLR इज इक्वल टू न्यू कलर, एंड इसकी जो कलर है वो मैं रख देता हूँ 0,103,103, मतलब नॉर्मल कलर हो जाएगा, जो पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो पैनल होम डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैं आपको एक बार रन करूँ तो आप देखोगे। ठीक है, देखो तो ये वर्क कर रहा है। इसी तरह आपको सारे इसी बटन को कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके छः जो हमारे इतने सारे बटन से ये बना लेना है। वीडियो को एक बार पॉज करके आप देख सकते हो पूरे बटन्स को, और अब इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में करके, अगर आप ने अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पर वीडियो को एंड करके जाके इसे कॉपी पेस्ट करके 6-7 बटन क्रिएट कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आगे मैं बताने वाला हूँ, उसे देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ एंड कंट्रोल वी, मैंने एक बटन क्रिएट किया, इसी तरह कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये बटन कहाँ चला गया, कंट्रोल जेड मारता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये बटन यहाँ पर आ गया। अगर पैनल अगर आपको आगे पीछे हो जा रहा, तो हम जैसे आप देख सकते हो, तो ये पैनल होम 3 जो है वो इस पैनल होम 1 के अंदर आएगा। तो मैं इसे उठाकर जे पैनल साइड बार के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आ गया, अब इसे यहाँ से उठा के रख देते। अगर आपको ये नेविगेटर नहीं दिख रहा तो आप विंडोज़ में जाइए यहाँ पर, एंड यहाँ पर नेविगेटर का ऑप्शन है, उसे सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पर आपको ये नेविगेटर हो जाएगा। तो आप किसी भी एलिमेंट पे नेविगेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड फिर मैं इसे वापस कॉपी करता हूँ एक बार, फिर से यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हो जो पैनल 4 है वो पैनल 2 के अंदर आएगा। तो मैं इसे फिर से उठाता हूँ एंड पैनल साइड बार के अंदर रख देता हूँ, तो ये फिर से यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसे फिर से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया मैंने, फिर देख सकते हैं ये भी यहाँ पर आ गया। मैं उसे उठाकर पैनल साइड बार के अंदर रख दिया एंड यहाँ पर इसे वापस रख दिया। हमें कितने बटन क्रिएट करते हैं एक बार देख लेता हूँ मैं, 1, 3, 4, 5, 6, 7 बटन क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो हमने कितने क्रिएट किए अभी तक, 5 क्रिएट किए। ओके, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये 6 6 को मैंने उठाकर यहाँ रखा, एंड यहाँ पर फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 7 7 को उठा के पैनल साइड बार एंड यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसका स्पेस एडजस्ट कर लीजिए, जैसे कि ज़्यादा स्पेस भी मत रखना बटन के बीच में एक। ठीक है, तो मैं इसे स्पेस को भी ठीक कर लेता हूँ। एंड अब हम इसका टेक्स्ट चेंज करने वाले हैं, जैसे होम बटन, अभी हमें यहाँ पे सर्च रिकॉर्ड एडिट कोर्स, तो सर्च रिकॉर्ड एडिट कोर्स, एंड इसके बाद हमारा है कोर्स लिस्ट। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को एंड करके जाकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली कुछ करना नहीं है, एक्चुअली वही कॉपी पेस्ट करके व्यू ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, प्रोसेस को रिपीट करना है बस, एंड उसके बाद बैक बटन एंड लॉग आउट, बैक एंड लॉग आउट। अब इस पे इमेजेस चेंज करने, तो आपके पास इमेजेस का फोल्डर तो है ही। अब सर्च रिकॉर्ड के लिए मैंने यहाँ पर इमेज यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए या फिर यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर होम दिख रहा है आपको आइकन का, आइकन पे जाइए, इमेजेस के अंदर आपको सर्च के लिए मैंने कौन सा आइकन यूज़ किया है एक बार मैं चेक करता हूँ।
सर्च 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 टू नाम से एक आइकन है, वो मैंने यूज़ किया यहाँ पर। अब एडिट कोर्स का आइकन चेंज कर देता हूँ मैं, इमेज पे गया, होम, उसमें एडिट 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 टू है आई थिंक। हाँ एडिट टू, एडिट टू ले लीजिए। एंड उसके बाद कोर्स लिस्ट के अंदर, कोर्स लिस्ट तो यहाँ पर उसके लिए मैंने कौन सा लिस्ट, आई थिंक लिस्ट यूज़ किया होगा। हाँ लिस्ट वन, ठीक है। एंड यहाँ पर व्यू ऑल रिकॉर्ड के लिए भी, यहाँ पर मैं जाता हूँ व्यू ऑल रिकॉर्ड। हाँ व्यू ऑल रिकॉर्ड हो गया। एंड उसके बाद बैक बटन के लिए मैंने एरो यूज़ किया होगा, तो लेफ़्ट एरो, ओके। और लॉग आउट के लिए लॉग आउट इमेज होगा, तो यहाँ पर लॉग आउट सॉरी LO, लॉग आउट, ठीक है। तो ये हो गया, मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ इसको। ये मैंने रन किया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसे आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे डिज़ाइन में जाके आप इसे कोड में जाकर आप पहले जे फ्रेम को सेलेक्ट करिए। जे फ्रेम यहाँ पर है हमारा नेविगेटर से, मैंने जे फ्रेम सेलेक्ट किया। कोड में गया, आप जनरेट पैक है यहाँ पर, जनरेट रीसाइज कोड एंड जनरेट सेंटर कर दीजिए। तो क्या होगा उससे, ये फ्रेम जब हम रन करेंगे वो सेंटर में ओपन होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, अब ये ओपन हो रहा है सेंटर में। एंड अब हम एक और कोडिंग कर देते हैं, हमें जब हम यूज़र क्लिक करेगा, हमारा हमारा ये जो होम पेज है उसको मैं रन करता हूँ, जब यूज़र यहाँ पर क्लिक करे तो वो पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, होम पेज का कोडिंग खोल लीजिए। अब होम पेज, होम डॉट जावा पे जाइए, यहाँ पर जाइए एंड डिज़ाइन में जाकर, डिज़ाइन में जाइए, ऐड बटन पे हमें इवेंट अप्लाई करना, कौन सा अप्लाई, माउस क्लिक का, तो इवेंट में जाइए, माउस माउस क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेथड है, इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है। तो किसी भी पेज पे जाने के लिए आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया ही है कि उसका पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ऐड फेस, एड फेस इज इक्वल टू न्यू एड फेस एंड एड फेस डॉट सेट विजिबल, उसको ट्रू कर दीजिए, एंड दिस डॉट डिस्पोज, डिसेबल नहीं डिस्पोज करना है, अरे यार क्या हो रहा है, डिस्पोज, ठीक है हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ एक बार, तो मैं ऐड फेस पे क्लिक करूँगा, देखो ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक बात और, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जब इसे लेकर जा रहा हूँ तो इसका कलर नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने हमारा जो कोड है, कोड भी कॉपी पेस्ट हुआ है साथ में। तो आप देख सकते हैं जब मैं ऐड फीस का जो ये कोड है, हमने उस बटन में कॉपी पेस्ट किया, तो उसके बाद उसके कोड भी कॉपी पेस्ट होगा, तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप बटन पर जाइए, राइट क्लिक करिए, सबसे पहले आप बटन्स का नाम चेंज कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो ये हमारा लेवल पर राइट क्लिक करिए, BTN होम 3 हो गया, तो मैं इसको देता हूँ BTN होम, ये पहले से एग्जिस्ट है, कौन सा है वो बटन, ये आई थिंक ये वाला बटन है BTN होम के नाम से। तो मैं इसको नाम देता हूँ, नाम चेंज करके BTN सर्च, ठीक है। एंड इसके पैनल को नाम देता हूँ बी पैनल सर्च। इसी तरह सारे एलिमेंट्स का नाम चेंज कर दीजिए आप, लेबल का नाम होम का मैं चेंज करता हूँ BTN होम, एंड इसका करता हूँ मैं पैनल होम, सॉरी रॉन्ग हो गया शायद, पैनल होम, ठीक है। एंड इसी तरह इसका भी कर देते हैं पैनल एडिट BTN एडिट, इसी तरह इसका भी करते हैं पैनल कोर्स लिस्ट BTN कोर्स लिस्ट BTN व्यू ऑल रिकॉर्ड एंड पैनल ऑल रिकॉर्ड सॉरी व्यू ऑल रिकॉर्ड। एंड जो इसके बाद है बैक बटन BTN
बैक पैनल बैक। तो यार वेरिएबल का नाम देने से काफ़ी इजी हो जाता है। btn लॉग आउट, जब हम इसे कोड में एक्सेस करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड इसका नाम चेंज करता हूँ मैं, पैनल लॉग आउट। एंड अब मैं सबके पीछे हूँ, हमें वो वाली कोडिंग करनी है, माउस एंटर एंड माउस एग्जिट वाली, ठीक है। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ, पहले राइट क्लिक, इवेंट, माउस एंटर। तो माउस एंटर इवेंट देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो कलर फिर से वही सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, कलर clr इज इक्वल टू न्यू कलर कलेक्शन। नहीं यार ये भैया इंटेलिजेंस भी अजीब ही हो रहा है, ठीक है। मैं वापस से एक बार करता हूँ, इवेंट माउस, माउस एंटर, वापस यहाँ पर। ये कलेक्शन नहीं चाहिए हमें यार, कलर चाहिए, ठीक है। कलर 0,10153,153। एंड कौन से पैनल का कलर चेंज करना, होम, तो पैनल होम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर नाम चेंज करने से इजी हो जाता है, हमें पैनल को हमें कंफ्यूज नहीं होगा, हमें मालूम पड़ जाएगा हाँ यार पैनल होम है, होम बटन वाला है। तो सेट बैकग्राउंड एंड कलर, ठीक है, रन करता हूँ एक बार। तो ये वर्क कर रहा है। तो मैं इसका जो माउस एग्जिट इवेंट है वो भी अप्लाई कर देता हूँ। मैं इस पे गया, इवेंट माउस, माउस एग्जिट। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ एक बार, क्योंकि कोड सेम है यार, बस कलर चेंज करना है हमें। कॉपी पेस्ट इसको हटाता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड 103 करना है इसको, एंड 103 बस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी वर्क कर रहा है। तो इसी तरह यार आप सारे बटन्स के लिए कर लीजिए ये प्रोसेस, रिपीट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पूछिए। इसके बाद वाले वीडियो में आपको ये जो इस ये जो राइट साइड का जो पैनल है वो कैसे डिजाइन करते हैं ये बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये DD नंबर आता है, चेक पे क्लिक करता हूँ तो चेक नंबर आता है, बैंक नेम आता है, वो सब कैसे करना है वो इसके आगे वाली वीडियो में आपको बताऊँगा मैं, ठीक है।